तो नमस्ते दोस्तों, मैं राज और आप लोग देख रहे हैं फैक्ट्स वाले यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या हुआ था द्रौपदी के स्वयंवर में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सीएल वालों ने दिखा है जब कर्ण लक्ष्य भेद करने जा रहे होते हैं तभी द्रौपदी उसको सूत पुत्र बोल के अपमान कर देता है, तब कर्ण मुंह फेर के आ जाते हैं। तो ये शासन झूठ है। और भी सब लोग बोलते हैं, वह सब यूट्यूबर बोलते हैं जो अर्जुन के सिवाय कोई नहीं कर पाया लक्ष्य भेद, ये भी सरासर झूठ है। तो असल में क्या हुआ था, तो चल दे वीडियो को बने रहे। तो काशी दासी के महाभारत में साफ साफ लिखा है क्या हुआ था और क्या नहीं। सबसे पहले दुर्योधन, दुशासन, आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म और कर्ण द्रौपदी के स्वयंवर में आए थे। तभी पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कर्ण दुर्योधन के साथ द्रौपदी के शादी के लिए लक्ष्य भेद करने जा रहे होते हैं। सबसे पहले जब पितामह भीष्म लक्ष्य भेद करने जा रहे होते हैं तभी पितामह भीष्म शिखंडिनों को देख के पीछे हट गए। तो उसके बाद जब कर्ण और आचार्य द्रोण लक्ष्य भेद करने जा रहे होते हैं तभी श्री कृष्ण छल से उन्हें हरा देते हैं। तो क्या था वो छल, जब कर्ण और आचार्य द्रोण लक्ष्य भेद करने जा रहे होते हैं तभी श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से लक्ष्य को ढक दिया, तो इसलिए ही कर्ण और आचार्य द्रोण असमर्थ रहे। तो ये था असली। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए नमस्ते।